हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबका पसंदीदा मीठा तीखा कुरकुरा वड़ा पाव। बनाएंगे सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी लादी पाव, क्रिस्पी एंड टेस्टी बटाटा वड़ा, मीठी चटनी और चटखारेदार चटनी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। आधा कप गुनगुना पानी लेंगे, डेढ़ बड़े चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और डेढ़ बड़े चम्मच चीनी डाल के मिला लेंगे। अब एक बोल में चार कप मैदा लेंगे, आधा चम्मच नमक, तैयार यीस्ट मिक्सचर, आधा कप रिफाइंड तेल डाल के मिला लेंगे। और एक कप गुनगुना दूध डाल के मिलाएंगे। हाथ पे तेल लगा के सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। आटे पे तेल लगा के ढक के एक घंटे के लिए प्रूफ होने देंगे। एक घंटे में आटा अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है। हाथ पे तेल लगा के आटे को पंच करके स्मूथ करेंगे। आटे को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। मोल्ड पे सब लोई को रखेंगे। इसे 15 से 20 मिनट ढक के रखेंगे। एक अंडे को बीट कर लेंगे। अब अंडे को बंस पे ब्रश कर देंगे। बंस पे कलौंजी और सफेद तिल स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे प्रीहीटेड माइक्रोवेव ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट बेक करेंगे। बंस तैयार है, इस पे ऑयल ब्रश करेंगे। इसे 2 मिनट ढक के रखेंगे। बंस को डीमोल्ड करेंगे। सुपर सॉफ्ट और स्पंजी पाव बंस तैयार है। अब 5-6 बॉइल्ड आलू को मैश कर लेंगे। अब पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। आधा चम्मच सरसों डालेंगे। जब सरसों चटक जाए तब करी पत्ता और 3-4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के मिलाएंगे। मैश्ड आलू और जायके मुताबिक नमक डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टफिंग तैयार है।
अब एक कप बेसन लेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जायके मुताबिक नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच अजवाइन रगड़ के डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे और थिक मिक्सचर तैयार करेंगे। अब तैयार स्टफिंग की गोल बॉल्स बना लेंगे। तलने के लिए तेल गरम करेंगे। वड़े को बेसन में डिप करके गरम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। बेसन का चूरा भी बना लेंगे। ये वड़ा पाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। वड़े को मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। बटाटा वड़ा भी तैयार है। बर्तन में 1 कप पानी लेंगे, 1/2 कप शक्कर और ऑरेंज फूड कलर मिलाएंगे। इसे पकाएंगे और एक तार की चाशनी बनाएंगे। मीठी चटनी तैयार है। ये ठंडी होकर और थिक हो जाएगी। 10-12 हरी लाल मिर्च, 15-16 लहसुन की कलियां और थोड़ा कच्चा आम या अमचूर पाउडर दरदरा पीस लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। करी पत्ता और दरदरी पीसी हुई मिर्च और लहसुन डाल देंगे। जायके मुताबिक नमक डाल के 1 मिनट पकाएंगे। चटपटी चटनी भी तैयार है। अब वड़ा पाव को असेंबल करते हैं। पाव को बीच से कट करेंगे। एक साइड पे मीठी चटनी, दूसरी साइड पे तीखी चटनी, बीच में वड़ा। तली हुई हरी मिर्च मीठी और तीखी चटनी के साथ सर्व करेंगे। मीठा तीखा कुरकुरा हम सबका फेवरेट वड़ा पाव तैयार है। आपको ये डिटेल्ड रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।